Now we will start divergent plate movement. It occurs when two tectonic plates move away from each other due to the force of tension. Due to the tension, vertical faults or cracks are created along the lines of weakness in the crust. देखिए जैसा भी मैंने उसमें आपको पेज का एग्जाम्पल दिया था, जब हम किसी पेज पर, पेज को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, ठीक है, पेज इज द क्रस्ट, जैसे कि आप मान लीजिए पेज एक क्रस्ट है, जब एक पेज पर दोनों साइड से फोर्स अंदर की साइड लगा रहे थे तो बीच में से उठता है, जिससे क्या बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन, और जब आप उसको अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि आपकी इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है, जब आपको अपोजिट डायरेक्शन में उस पर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, वो बीच में से फट जाएगा, तो इस तरह से क्रैक हो जाते हैं बीच में, जैसे कि इसमें आपके पिक्चर्स में दिखाए हुए हैं, इस तरह से क्रैक्स आ जाएंगे आपकी अर्थ में, ठीक है। नीचे दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉल्टिंग, वो जो क्रैक होते हैं वो किसको क्या बोलते हैं, फॉल्टिंग। Sometimes a part of the crust between the cracks sinks down and forms a valley. कभी कभी क्या होता है, वो जो cracks हैं बहुत गहरे अंदर की साइड गहरे हो जाते हैं और एक वैली का रूप ले लेते हैं, ठीक है। Such sunken valley is called a rift valley. इस तरह की को क्या, इस तरह की जो valleys होती हैं उनको क्या बोलते हैं आप, rift valley या फिर ग्रेबन। The Narmada and the Tapi valley in India are examples of the rift valley. Sometimes a part of the crust between the crack is uplifted by internal forces. कभी कभी क्या होता है, internal forces की वजह से वो जो crack हुआ part होता है वो ऊपर की तरफ निकल आता है, जब force पड़ता है दोनों तरफ से, जैसे कि आपके fold mountain बनते हैं इसी तरह से वो ऊपर की side आता है, and forms a block mountain, इसको आप क्या बोलते हैं, block mountains, और horst, the wind, विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंज इन द इंडिया आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। देखिए ये पिक्चर है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट की, जैसा मैंने आपको पेपर पे बताया था, जैसे सपोज करिए ये एक पेपर है जिसमें आपको ये पिक्चर दिखाई हुई है, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है इस पर, तो बीच में से क्या हो रहा है, ये उठ रहा है, तो इससे क्या बनेंगे आपके माउंटेन, ठीक है, कन्वर्जेंट प्लेट एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो बीच में से क्या आ रहा है, आपका क्रैक हो रहा है। और थर्ड है जो अब आप पढ़ोगे, ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट, इसमें आपको ये जो है हॉरिजेंटल टाइप में, एक एरो देखिए इस साइड बाहर को निकला हुआ दिखाई दे रही है आपको, ये इस तरह से फोर्सेज लगते हैं और जिसकी वजह से आपके अर्थक्वेक आते हैं। A volcano is an opening on the surface of the earth through which molten material or magma, ash and hot gases come out. ठीक है, जब जो अंदर की जो गैसें होती हैं पृथ्वी की, अंदर जो मैग्मा होता है वो पिघलकर जब बाहर आने लगता है, ठीक है, एक तो क्या बनता है, एक volcano. The top of the volcano has an opening known as the crater. जो ऊपर का पार्ट होता है जहाँ से आपके वॉल्केनो में से लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसको क्या बोलते हो आप, क्रेटर। ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पर, ये जो एरिया है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्रेटर। व्हेन द इरप्टेड मोल्टन मटेरियल फॉर्म्स लेयर आफ्टर लेयर एंड पाइल अप अराउंड द ओपनिंग, इट क्रिएट्स अ कॉन शेप्ड माउंटेन, दिस इज नोन ए वॉल्केनिक माउंटेन। देखिए जब यहाँ से आपका मैग्मा निकल रहा है, ठीक है, साइड में से इधर से मैग्मा जा रहा है, इधर से मैग्मा निकल के क्या होगा, इस तरह से फैलता रहेगा, तो इस तरह से एक माउंटेन की फॉर्म बन जाती है, ठीक है, एक माउंटेन का रूप ले लेता है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिक माउंटेन क्यों वह है, क्योंकि वॉल्केनो से बना है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन। जो मैग्मा निकलता है वो इधर आपका जमता रहता है, ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा और एक माउंटेन की फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप वॉल्केनिक माउंटेन। द मैग्मा रीच्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। जब तक वो अर्थ में है उसको मैग्मा बोलते हैं, जैसे ही वो ऊपर आता है अर्थ से तो उसको क्या बोलते हैं, लावा। एंड द पैसेज थ्रू विच द मैग्मा ट्रेवल्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड वेंट। और जब वो अर्थ पर आ जाता है लावा, बहुत दिनों तक रहता है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं आपका, वेंट, जो वो जम जाता है, ठीक है, दिस इज नोन एज द वॉल्केनिक इरप्शन।
द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द वॉल्केनिक प्लेट्यू. जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या है, आपका वॉल्केनिक प्लेट्यू का एक एग्जाम्पल है. टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्टिव. एन एक्टिव वॉल्केनो इज दैट वन इरप्ट्स फ्रीक्वेंटली. इन सच वॉल्केनोज इरप्शन कैन टेक प्लेस एनी टाइम. ठीक है, कभी भी हो जाते हैं, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं. तो इस तरह के वॉल्केनोज जो हैं वो आपके इटली में हैं, स्ट्रोम्बोली एंड एम्प्टी कोटोपैक्सी इन यूकेडर एंड एक्टिव आर एक्टिव वॉल्केनोज. ये एक्टिव वॉल्केनोज हैं जहाँ पर कभी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ इनमें होती हैं, जैसा कि इसका नाम ही है एक्टिव वॉल्केनो. एंड द सेकेंड इज़ द डॉर्मेंट वॉल्केनो इज द वन दैट हैज़ नॉट इरप्टेड इन ए लॉन्ग टाइम. जो बहुत मतलब कई कई हज़ारों सालों में जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, देयर आर आल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वॉल्केनोज. सोए हुए वॉल्केनो हैं, कभी कभी उठते हैं. ठीक है, हाउएवर इट मे इरप्ट एट एनी टाइम. लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं उठेंगे, कभी भी उठ सकते हैं वो, है ना भाई. एम टी फुजियामा इन जापान एंड एम टी वेस्यूविस इन इटली आर द डोरमेंट वॉल्केनोज. एंड द थर्ड इज़ एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो इज़ वन दैट हैज़ नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन. जिसमें आज तक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि वो कभी एक्टिव ही नहीं हुए हैं. ठीक है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड डेड वॉल्केनोज. इसलिए इनको डेड वॉल्केनोज का नाम दिया गया है. वो कौन से, आपके एम टी क्लिमिंजारो एंड एम टी केनिया इन अफ्रीका आर एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. अब इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्केनोज, इम्पोर्टेंस क्या है वॉल्केनो की. द लावा थ्रोन आउट ऑफ वॉल्केनोज फॉर्म्स फर्टाइल सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जो लावा निकलता है उससे क्या होती है, सॉइल की जो है आपकी फर्टिलिटी बढ़ती है. सेकेंड इज दैट दे आर हेल्पफुल फॉर साइंटिस्ट एज नेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी स्टडीड थ्रू दैम. इसके द्वारा साइंटिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, जिससे वो अपने अर्थ के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में इनको जानकारी मिलती है. थर्ड इज़ द दे ब्रिंग आउट यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जब नीचे से मैग्मा निकलता है तो उसके साथ केवल वो मैग्मा ही नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं जो बाहर निकलते हैं. ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं. Now we will discuss about the earthquakes.